जय हिंद मात्रा एस डी एम ज्योति मौर्य का केस जो है वो लगातार दिनों दिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से मोड़ लेता जा रहा है इन सब के बीच में एक और चैट अब निकल कर सामने आई है और उस चैट में जो बातें हैं वो लगातार काफ़ी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर किस सोच के साथ में चीज़ें आगे बढ़ रही थी मतलब ये जो पूरा केस है ये लिटरली सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को सेंसेशन लग रहा है इसीलिए बल्कि इस केस में जो बारीक डिटेल्स निकल कर सामने आ रही हैं वही चीजें हैं जो कि लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं कि आखिर ये सब चीजें इतनी आसानी से करना संभव है जो बातें हो रही हैं उनमें उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात एस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद को लेकर चल रही है वहीं महबूबा के होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे भी इसमें आप बहुत बारीकी से फंसते नजर आ रहे हैं दरअसल ज्योति मौर्य के साथ अफेयर के साथ ही मनीष दुबे पर लगे गंभीर आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है जैसा कि हम लोगों ने अभी बात करी ही थी इनमें मनीष दोषी मिले हैं इस जांच के बाद मनीष दुबे पर एफ के साथ ही निलंबन की सिफारिश भी करी गई मीडिया के पास जो स्क्रीन जिसको देखने के बाद डी जी होमगार्ड ने इस पूरे मामले में एफ की सिफारिश करी है वो व्हाट्सएप पर किए गए चैट की है जिसमें कि आलोक को रास्ते से हटाने की बात की जा रही है हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, पर हाँ जिन जगहों से चैट निकल कर आ रही हैं वो बताया तो यही जा रहा है कि इनसे संबंधित एस ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने डीजी होमगार्ड से की शिकायत में हत्या की आशंका भी जताई थी सबसे शुरुआत में ये आपको ध्यान रखना चाहिए आलोक ने तब कहा था कि पत्नी ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे मिलकर मेरी हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं इस मामले की जांच के बाद डीजी होमगार्ड ने मनीष दुबे के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश कर दी है पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के साथ विवादों में घिरे मनीष दुबे पर आरोप है कि वे ज्योति के पति आलोक को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की साजिश रच रहे थे फिलहाल शासन कभी भी मनीष दुबे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर सकता है बता दें कि बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक ने मनीष दुबे पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया था आलोक ने कहा था कि मनीष दुबे का ज्योति के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों मिलकर उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं आलोक की शिकायत पर डीजी होमगार्ड बी के मौर्य ने प्रयागराज के डीआईजी आई होमगार्ड संतोष कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा था डीआईजी की रिपोर्ट के आधार पर डीजी जी बी के मौर्य ने रिपोर्ट भेजी मनीष दुबे की पत्नी के साथ ही मनीष के विवाद की बात सामने भी आई है मनीष पर उनकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए विवादों के बीच मनीष का गाजियाबाद से महोबा ट्रांसफर भी कर दिया गया था कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि डिप्टी कमांडेंट मनीष दुबे मामले की जांच पूरी हो चुकी है और जांच रिपोर्ट जल्द ही सामने आ जाएगी मंत्री ने कहा कि वे लखनऊ से बाहर हैं इस वजह से रिपोर्ट नहीं देख पाए लखनऊ पहुंचते ही रिपोर्ट की जानकारी लेंगे रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य से फोन पर हुई मनीष दुबे की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है ऑडियो में एसडीएम ज्योति मौर्य के पति को जान से मारने की बात मनीष दुबे ने कथित रूप से कही हालांकि इस ऑडियो की सच्चाई की पुष्टि मैं कर नहीं सकता हूं लेकिन इस पूरे मामले की जो विभागीय स्तर पर जांच करी गई है तो ऐसे में जो ये अंदर की बारीक बारीक डिटेल्स हम निकल कर सामने आ रही हैं इंटरनेट पर इन चीज़ों ने लिटरली लोगों को सोचने मजबूर कर दिया है कि आखिर हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं जहाँ पर कि एक पति पत्नी के रिश्ते को इस तरीके से तार तार किया जाता है हालाँकि आरोप यहाँ पर आलोक के ऊपर भी लग रहे हैं आलोक मौर्य जो कि ज्योति मौर्य के पति हैं उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि भैया ये जो है इन्होंने पूरा का पूरा घरेलू मामला सार्वजनिक कर दिया लेकिन कहीं ना कहीं फिर बात मन में कि ये भी आती है कि जब कोई व्यक्ति इतना लाचार हो जाता है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि वो किस तरीके से अपने आप को बचाव करे तब कहीं ना कहीं उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी बात को दुनिया के सामने रखे क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे सीडियो फिलहाल उतना ही जय हिंद जय भारत